इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल एंड सॉफ्ट वनीला केक पेस्ट्री बनाने की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 100 ग्राम बटर को मेल्ट करके ले लेना है। अब इसमें हम डालेंगे एक बाउल दही, थोड़ा सा वनीला एसेंस और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक कटोरी मैदा लिया है मैंने, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड में छान लेंगे। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, ऑप्शनल है ये, और 3/4 कप पिसी हुई चीनी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एगलेस केक है, इसमें एग नहीं पड़ेगा। अब ये अभी गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अगर हम अंडा यूज़ नहीं करते तो हमें दही, छाछ, विनेगर या नींबू का रस, इस तरह का कोई चीज़ यूज़ करना पड़ता है जिससे ये सोडे में रिएक्ट करके अच्छा फ्लफी और सॉफ्ट केक बने। तो ये हमारा बैटर रेडी है। अब ये मैंने बटर पेपर लगा लिया है केक टिन में और मैं इसमें ये बैटर डाल के 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए ओवन में रख दूँगी। ये 25 मिनट बाद हमारा केक एकदम तैयार है। कितना सॉफ्ट केक बना है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए एक किनारे रख लेते हैं और एक बाउल में हम लेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, 3-4 ड्रॉप, थोड़ा सा इसमें हम क्रीम डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे हम अनमोल्ड करेंगे और बटर पेपर को निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम एक फोक की हेल्प से इस तरह से छेद कर देंगे और इसमें हम जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे। जो मेरी क्रीम थी वो थोड़ा मीठी थी इसलिए मैंने मीठा नहीं डाला, नहीं तो आप मीठा डाल सकते हैं। अब हम केक को एक किनारे रख देंगे और हम अब काम करते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग पे। तो इसके लिए मैंने लिया है क्रीम 1 कप और ये फ्रीजर में थी तो ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए। अब इसे हम अच्छे से इस तरह से फैट देंगे और ये जब ये अच्छे से फट जाएगी तो ये डबल हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डालेंगे और एक चम्मच मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं। वैसे ये क्रीम भी मीठी है। ये देखिए हमारी क्रीम तैयार है। अब हम केक के ऊपर, जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें क्रीम लगाएंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे चारों तरफ। इसको हम अब इक्वल कर देंगे ऊपर से इसका लेयर को। आप किसी नाइफ की हेल्प से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। इसके साइड में काट लूँगी ताकि ये अच्छा दिखे। अगर आप नहीं काटना चाहें तो नहीं काट सकते हैं, ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। अब हम इसे कट करेंगे 6 पीसेस में। देखिए कितने सॉफ्ट बना है, चाकू एकदम इसमें जा रहा है। कट करने के बाद नाइफ को पोंछते रहें, उससे ये और अच्छे से कट होगा। अब मैंने पाइपिंग बैग लिया है एक और उसमें मैंने नोजल पिन डाल दी है। इसमें हम भरेंगे क्रीम फ्लावर बनाने के लिए पेस्ट्री के ऊपर।
ये नोज़ल पिन है, ये मेरी जो नमकीन बनाने वाली मशीन है उसके साथ ही आई है ये। इस तरह से ये नमकीन बनाने वाली मशीन सभी के पास होती है, तो इसके साथ ही ये पिन मिलती है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। तो इसे हम ऐसे किसी भी प्लास्टिक में लगा के इससे हम जो मर्जी डिज़ाइन बना सकते हैं केक में इस तरह से। एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब इसको डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर छोटे छोटे मैंगो के पीसेस लगा दूंगी। और ये हमारी टेस्टी सॉफ्ट डिलीशियस पेस्ट्री बनके तैयार है। मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है ये। ये देखिए, तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही सिंपल होती है बनाने में, अंडों का कोई इस्तेमाल नहीं है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस रक्षाबंधन में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।